और यार मेरी लेटेस्ट रह गई। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आर मकबैन चैनल। और भाई यशल्स मकबैन में बहुत टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत फहमी हो गई थी मुझे, फालतू में मैं अपने पर इल्जाम लेने वाली थी। तो 3 दिन के बाद वीडियो आ रहा है और 4 दिन के बाद, अरे 3 दिन हुए हैं ना, 4th दिन तो शूट कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि 5वें 6वें दिन वीडियो आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। एक्चुअली मेरा सिर्फ काम है बैठ के खाना खाने का, एडिटिंग एंड ऑल मेरे बस की बात नहीं है। चलो बहुत हो गई ओवर एक्टिंग, अब हम काम की बात कर लेते हैं। तो भाई आज हमने बनाई है कड़ी, जिसकी रेसिपी फाइनली आपको मिलेगी यशल्स की रसोई पे, जो कि बहुत दिन के बाद वीडियो आई है। गाइस बिल्कुल भी मत मारना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हम कहाँ करें, हमारी बिल्ली का ऑपरेशन था ना, तो इसलिए वीडियो लेट आया। सो गाइज, इससे पहले कि हमारा खाना ठंडा हो, मैं आपको बता दूं कड़ी बनाई है मैंने, पकौड़ी वाली नहीं, आलू वाली। उसकी रेसिपी आप देखना यशल्स की रसोई पे। साथ ही साथ हमने लिए हैं चावल वाले पापड़ और बनाए हैं थोड़े गीले गीले चावल। वैसे मुझे तो एक एक दाना वाले राइस पसंद है, लेकिन डुगू को गीले गीले पसंद है, तो मैंने आज डुगू की पसंद का ख्याल रखते हुए ये सब बनाया है। चलो, और मैं थोड़ा अजीब तरीके से, आपको लगे कि मैं हाथ से खा रही हूँ अजीब तरीके से, क्योंकि मेरा हाथ ठीक नहीं है इसलिए। तो कड़ी का आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं गिरा के, क्योंकि मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कर चुकी हूँ मैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना बैठने में यहाँ पे, आपको तो पता ही है गाइस। चलो भैया, आधे से ज़्यादा कड़ी हम अपनी डाल चुके हैं ताकि ये नीचे ना लगे। गर्म हो रही है एकदम, बनती बनती पकती पकती है ना, तो कड़ी को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है सबसे पहले, फिर पापड़ खा लेते हैं भाई। नहीं, मैं तो सबसे पहले कड़ी ही खाऊंगी, कड़ी खाने का जो इतनी भी गर्म नहीं हो रही, डुगू मस्त मजा आएगा, खाओ भाई पापड़ के साथ खा के तुम। बहुत दिन के बाद जा रहे, बहुत दिन के बाद भाई कड़ी चावल बनते हुए, और ये रही मेरी दिन की पहली मील और आखिरी भी दिन की। और आप लोग हरी मिर्च को बड़ा मिस कर रहे थे, मैं भी एक्चुअली मिस कर रही थी हरी मिर्च को। आज मैंने भी लिया हरी मिर्च, ये हमारी हो गई लाल मिर्च जिसको हम फोड़ लेंगे गोल वाली। और आज आपको बैकग्राउंड पे हमारा अलग लग रहा होगा। भाई मजा बहुत आ रहा है। आज छुड़ी आपको बाहर से भी आवाज आ सकती है, मैनेज कर लेना गाइस, क्योंकि हम लोग दरवाजे की तरफ बैठे हैं ना, अलग डायरेक्शन पे। बिल्कुल मेरे देखो, ये इतनी इतनी सी पास दरवाजा है, बिल्कुल टच हो रहा है। और यार मेरी लेटेस्ट रह गई मिर्च, बिल्कुल बाद में तीखी है। इतने टाइम बाद तब मज़ा आ रहा है खाने खाने में। थोड़ा इग्नोर कर देना मेरे को आज, क्यों भूखी ज्यादा हूँ ना। अरे भाई अंकल बाहर लड़े जा रहे हैं यार, पता नहीं किससे ही, बहुत दुखी करते हैं यार ये लोग खज में बाहर वाले। गीले गीले चावल खाने के बाद डुगू अपना ही मजा है। तुम बस एक चीज कर दी इसमें, क्या बोलो बोलो, नमक नहीं डाला चावलों में, पता नहीं है नमक नहीं डालती चावलों में, इसको क्या मतलब भूल गई है नमक डालने से, कोई नहीं भूली रहने दे। मैं आज सच में भूल गई, मजाक नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर मैं जानबूझ कर ही डालती तो मैं एक्सेप्ट करती कि भाई मैंने, ये देखो आलू,
आज सब हेलो यहीं करेंगे दरवाजे में आके। कल हद हो गई आपकी तो, इग्नोर करो। कहाँ से तीखी लग रही है मिर्ची आपको? मेरी वाली बहुत तीखी है। सारी मिर्ची मैं जाकर देख ले, मेरे को दो। गर्मी लग रही है तेज। पानी है इधर? हाँ चाहिए। और गाइस हम इतनी बार बता चुके हैं मुंबई में रहते हैं, फिर भी आप लोग पूछते हो कि कहाँ से गर्मी लग रही है आपको इतनी। हल्की सी तीखी थी बिल्कुल, थी ना? माइनस थी। तो होनी भी चाहिए डुक्कू। मैं पापड़ के साथ पहली बार कढ़ी चावल खा रही हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। सील है। फॉर्म हो गया। मैं सुन लूँ थोड़ा सा। क्यों जाओ डाली तुम मेरा? कड़ी है उसमें? अयोल नहीं आती मिर्च। बहुत सारी इसमें से कड़ी तो और भी रखी है, बट यहाँ पे लाने की दिक्कत है ना, बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है हम यहाँ पे। सही में दोनों को दोनों पैच ने हमारे दिमाग ख़राब कर रखा है, एक बाहर खोद रही है और एक अंदर कमरे में है। क्या करेगा ये शूट करने के लिए। भाई देखो Thank you.
अरे कुछ ज़्यादा टेस्टी होगी मुझे लग रहा है। क्या बात है चाटनी री, गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि रेसिपीज डाइस शूट करने के तुरंत बाद ही हमने मकबाइन शूट करना शुरू कर दिया, तो मेरे को गर्मी बहुत लगती है। तो खाने का तो मज़ा आता है, बस सारी बात कर लेंगे यहीं पे। मतलब खाने में तो मज़ा आता है लेकिन बस गर्मी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एसी चला के शूट करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा नॉइस का प्रॉब्लम होगा ना उसमें, इसलिए। ओ भाई हमको तो भाई ये कढ़ी खा के इतना मज़ा आया, डुगू से पूछ लेते हैं चलो जेन्युइन। अभी नहीं चाहिए मेरे को, बाबू पसीने पोंछ ले तू अपने, बहुत ज़्यादा ही आ रहे हो। तो भाई कढ़ी खा के आ गया एकदम मज़ा, खतरनाक वाला मज़ा आ गया। और नेक्स्ट बता देना भाई क्या खाएं, ठीक है जल्दी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि अभी हम थोड़ा फ्री हो चुके हैं इस साहिब से, तो मस्त हम वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही था और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही होगा। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को हम करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना गाइस, और ये वाली कड़ी घर पे ट्राई करना। हाँ रेसिपी देखना मत भूलना इसकी, आपको रेसिपी मिलेगी यशल्स की रसोई पे, तो जल्दी जाके देखो। चलो टाटा बाय बाय गुड नाइट। पूजा कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन यज्ञ ना होवे वासना। शुभी है रो रही है। हाँ।